रविवार यानी 17 अप्रैल की रात रूस ने यूक्रेन के करीब 300 मिलिट्री ठिकानों पर रॉकेट और आर्टिलरी फायर से एक साथ धावा बोला। इसमें खार्किव, जोपोरिया और डोनेट्स के इलाके शामिल हैं। रूस ने यूक्रेनी सेना से तुरंत हथियार डालने को कहा है। सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और हम आखिर तक लड़ेंगे। अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों का मानना है कि पुतिन 9 मई तक जीत की घोषणा करना चाहते हैं, इसलिए अगले 19 दिनों में यूक्रेन के शहरों और नागरिकों पर रूस के हमले बढ़ने की आशंका है। भास्कर इनडेप्थ में आज हम बताएंगे कि पुतिन 9 मई तक जीत की घोषणा क्यों करना चाहते हैं, प्लान ए फेल होने पर पुतिन का प्लान बी क्या है, अगले 19 दिनों में जीत के लिए पुतिन क्या क्या कर रहे हैं, 9 मई और रूस यूक्रेन जंग का कनेक्शन, इसकी जड़ें दूसरी विश्व युद्ध से जुड़ी हुई हैं। हिटलर की नाजी सेना का कहर लगातार बढ़ रहा था। मजबूरी में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ साथ आए और नाजी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हार से घिरे हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। एक हफ्ते बाद यानी 8 मई को जर्मनी ने सोवियत सेना के सामने सरेंडर कर दिया। जिस वक्त जर्मनी की सेना सरेंडर कर रही थी उस वक्त जर्मनी में 8 मई थी, लेकिन रूस में 9 मई की तारीख लग चुकी थी। 22 जून 1945 को जोसेफ स्टालिन ने 9 मई को विक्ट्री डे की तरह मनाने की घोषणा की। इसके बाद 9 मई को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड की जाने लगी, इसलिए 9 मई का दिन रूस के लिए बेहद खास है। जेरूसलम इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजी जिस में एनालिस्ट एलेक्सेंडर ग्रीनबर्ग कहते हैं, पुतिन को प्रतीकों वाली तारीखों और इतिहास से गहरा लगाव है, इसलिए वे 9 मई से पहले जीत की कोई ना कोई तस्वीर जरूर देखना चाहते होंगे। वहीं मॉस्को स्थित थिंक टैंक द काउंसिल फॉर फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी के सगे कारागनोव कहते हैं कि रूस यह युद्ध हार गया तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए उसे जीत जैसा कुछ तो चाहिए ही। पुतिन का प्लान ए फेल, अब प्लान बी पर फोकस। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया तो सबसे पहले राजधानी कीव की तरफ बढ़े। पुतिन ने कहा कि उनका उद्देश्य यूक्रेन का असैन्यकरण और विनाशीकरण करना है। कीव शहर से करीब 10 मील दूर उन्हें यूक्रेन की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिला। कई दिनों की मशक्कत के बाद भी रूस का प्लान ए फेल हो गया। इसके बाद रूस ने अपना प्लान बी एक्टिवेट कर दिया। पिछले हफ्ते व्लादिमीर पुतिन ने एक स्पीच में अपने बदले उद्देश्य की झलक दे दी। पुतिन ने कहा, डोनबास में रहने वाले उन लोगों की मदद करना हमारा उद्देश्य है जो रूस के साथ अटूट रिश्ता महसूस करते हैं। यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख का दावा है कि रूस यूक्रेन को युद्ध में पूरी तरह नहीं हरा सकता, इसलिए विभाजन की साजिश कर सकता है। रूसी सुरक्षा बल कीव से उत्तरी इलाके में दूसरी तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन दक्षिण पूर्वी शहर मारियुपोल से वो टस से मस नहीं हो रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि यह इलाका क्रीमिया को बाकी यूक्रेन से जोड़ता है। क्रीमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था, इसलिए अगर मारियुपोल पर कब्जा हो जाए तो मॉस्को का यूक्रेन के पूर्वी इलाके के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण हो जाएगा। अगले 19 दिनों में और आक्रामक हो सकती है। जंग रूसी सेना ने अब अपना पूरा फोकस डोनबास इलाके पर लगा दिया है। अगले 19 दिनों में वो कम से कम यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर कब्जा करके जीत का ऐलान कर सकते हैं। जानिए जंग को जल्दी खत्म करने के लिए पुतिन क्या क्या कर रहे हैं। एक, जनरल एलेक्सेंडर ड्वोर्निकोव को जंग की कमान। पुतिन ने यूक्रेन जंग की कमान अब जनरल एलेक्सेंडर ड्वोर्निकोव को सौंप दी है। उन्होंने चेचनिया में लड़े गए दूसरे युद्ध और सीरिया की जंग में अहम भूमिका निभाई थी। वो लोगों पर अत्याचार और क्रूरता के लिए कुख्यात हैं। 2016 में पुतिन ने जनरल ड्वोर्निकोव को हीरो ऑफ रशिया मेडल से नवाजा था। ये रूस के सबसे बड़े सैन्य पुरस्कारों में से एक है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो बिना मानवाधिकार की परवाह किए जंग को जल्दी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। दो, मारियुपोल पर कब्जा, अन्य जगह भी हमले बढ़ाए। रूसी सेना ने रविवार को एक बड़े स्टील प्लांट को नष्ट कर दिया जो दक्षिणी यूक्रेन के शहर मारियुपोल में प्रतिरोध का आखिरी स्थान था। रूसी सेना की 6 सप्ताह से घेराबंदी का सामना कर रहे मारियुपोल पर कब्जे से रूस को यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में बड़े पैमाने पर आक्रमण करने की योजनाओं में मदद मिलेगी। रूसी सेना ने शनिवार को कीव, पश्चिमी यूक्रेन और इससे सटे इलाकों में भी हमले तेज कर दिए। तीन, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की जगह। युद्ध अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार सैमुअल रमानी ने ट्विटर पर लिखा है कि रूसी जहाज मोस्क्वा के नष्ट होने की वजह से रूस में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को यूक्रेन के साथ युद्ध का औपचारिक दर्जा दिए जाने की मांग उठने लगी है। अगर रूस ये रास्ता अपनाता है तो इस युद्ध में ज्यादा सैनिकों की भर्ती करने से लेकर अपने सहयोगियों से मदद लेने जैसे विकल्प खुल सकते हैं।
हालांकि इस मुद्दे पर रूस की ओर से किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है।